एक गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा होती है। शिष्य अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए गुरुजी से पूछता है और गुरुजी उसका उत्तर देते हैं। बताया ऐसा ज्ञान बताओ गुरु कोई गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु मेरा गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे, गावणिया ही गा दे रे कोई गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु मेरा गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे, बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे, गावणिया ही गा दे रे कोई गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया ही गा दे। तो पहला प्रश्न पूछता है शिष्य क्या कहने लगा, बे माता की मात बता और सास बता दे गोरा की, बे माता की मात बता दे सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करांगा औरा की, शिव शंकर का गुरु बता दे बात करांगा औरा की, अष्टभुजा किसकी पुत्री जो करी सायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन करी सवारी मोरा की, साधु का नाम बता जिन करी सवारी मोरा की, का नाम बता तुझ करी सवारी मोरा की, नीम आग लगा दे कोई गावणिया ही गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया भी गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु दा गावणिया ही गा दे, गावणिया भी गा दे रे भाई गावणिया भी गा दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया भी गा दे, ज्ञान बताओ गुरु जी गावणिया भी गा दे। बताते हैं शिष्य ने पूछा, हे गुरु जी बे माता की मात बताओ और सास बता दे गौरा की, भगवान शंकर का गुरु बता फिर बात करांगा गौरा की, अष्टभुजा किसकी पुत्री जिसने करी सहायता चोरा की, ऐसा साधु का नाम बता जिसने करी अश्वारी मोरा की, ऐसी बात पूछी। अब गुरु जी इसका उत्तर बताने लगे, देखो कौन बताया, बे माता की मात गायत्री, बे माता की मात गायत्री सती अनुसिया, बे माता की मात गायत्री सास अनुसिया गोरा की, बे माता की मात गायत्री सास अनुसिया गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात सुनो ना औरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात सुनो ना औरा की, गुरु अंगीरा बात सुनो ना औरा की, अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री करी सहायता चोरा की, अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री करी सहायता चोरा की, बालक ना तो ऐसा साधु करी सवारी मोरा की, बालक ना ऐसा साधु करी सवारी मोरा की, बालक ना ऐसा साधु करी सवारी मोरा की,
ज्ञान बिना ना भरम मिटाया, ऐसा ज्ञान बताया, के उत्तर में बताया बे माता की मात गायत्री और सती अनुष्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिलाया था, इसलिए गौरा की सास बताते हैं सती अनुष्या को, और जो एक ब्रह्मा जी की पुत्री थी अष्टभुजा बताते हैं, एक कोई गरीब था, चोरों से सहायता मांगता है, चोर किसी घर में चोरी करने के लिए जैसे गए उसी समय बताते हैं उन चोरों की सहायता अष्टभुजा ने की थी, इसलिए वह लड़की ब्रह्मा जी की पुत्री बताते हैं। और बालकनाथ एक ऐसा साधु था जिसने मोरों की सवारी की थी। तो इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न शिष्य गुरु जी से पूछता है, बताया क्या बताया? उस लड़के का नाम बता जो, उस लड़के का नाम बता जो नई मात के पेट पड़ा, उस लड़के का नाम बता जो नई मात के पेट पड़ा, माता पिता ने संग के साथी, माता पिता ना संग के साथी, वे माता ने नहीं गड़ा, पिता है संग के साथी, वे माता ने नहीं गड़ा, जन्म होवते करी लड़ाई नहीं मुक, जन्म होते करी लड़ाई सन्मुख नहीं रया खड़ा, जन्म में करी लड़ाई नाम मन में हुआ खड़ा, जय जयकार जब होने लगी तो तीन लोक में जिक्र छिड़ा, जय जयकार जब होने लगी तो तीन लोक छिड़ा, मन का भरम मिटा दे गुरु जी ऐसा ज्ञान बता दे, ऐसा ज्ञान बता मेरे गुरु जा प्रश्न में पूछने लगा, उस लड़के का नाम बता जो नहीं माँ के पेट पड़ा, ऐसा लड़का कौन था जो माँ के पेट में नहीं पड़ा, बे माता ने जिसको नहीं गड़ा, और जन्म होते ही लड़ाई करने लगा, पूरा का पूरा समाज उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सका है गुरुजी, ऐसा आदमी कौन था? तो उसी समय गुरुजी उसकी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए बताने लगे, देखो ऐसा कौन था वो, गणेश नाम उस लड़के का नाम माता के वो पेट पड़ा, गणेश नाम का उस माता के माता के मैं पेट पड़ा, गोरा मन करी गड़ाई बे माता ने नहीं गड़ा, गोरा मन करी गड़ाई बे माता ने नहीं गड़ा, लेकर जन जब करी लड़ाई कोई भी ना वीर अड़ा, शिव शंकर को हरा दिया जब तीन लोक में जिक्र छिड़ा, शिव शंकर ने भगा दिया जब तीन लोक में जिक्र छिड़ा, ने भगा दिया जब तीन लोक में जिक्र छिड़ा, ज्ञान बिना अरमान घुमाया ऐसा ज्ञान बताया,
ऐसा लड़का बताया जो माता के पेट में नहीं पड़ा था, वो ऐसा लड़का बताया कौन? गणेश जी महाराज। बताते हैं गणेश जी महाराज का माँ की कोख से जन्म नहीं हुआ था, तो माँ की कोख से जब जन्म नहीं हुआ, बताते हैं गोरा माँ की रुखाड़ी के लिए गणेश जी खड़े थे और भगवान शंकर जैसे ही आते हैं उसी समय गणेश जी का सर उड़ा दिया जाता है। और माता पार्वती जब भगवान शंकर से ऐसा कहती है तो कि ऐसी माँ जो पीठ देकर के सोए, उस माता का लाल मेरे को लाकर के मेरे लाल के उसकी गर्दन होनी चाहिए। बताते हैं हथनी जंगल के अंदर पीठ देकर के सो रही थी तो भगवान शंकर ने उसका शीश लगाया था। इस प्रकार से बताते हैं गणेश जी महाराज का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। तो तीसरे नंबर में बताया, बाप के ब्याह में बना बचोला वो लड़का कित से आया, बाप के ब्याह में बना बचोला कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जी मन आया, कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग की रख आया, अन धन के भंडार भरे भई ठिकाना कोई बूटा ठाया, अन धन के भंडार भरो भई ठिकाना जग परले में कसर खटे जब तीवड़न जा जल पाया, कसर नहीं भाई लगाया बेल धर्म की ला दे रे भाई बेल भरम की ला दे, ऐसा ज्ञान बताओ गुरु कोई कौन आई खा दे, बता दे गुरु कौन आई खा दे, ऐसा ज्ञान बता दे गुरु कौन आई खा दे, तीसरे नंबर में बताया ऐसा लड़का कौन था जो बाप के ब्याह में बीचला बना था। बताते हैं ऐसा लड़का भीष्म को बताते हैं जो सत्यवती के साथ में अपने पिता शांतनु की शादी करवाई थी, वही भीष्म जिसका जिक्र यहां पर चलाया है। और ऐसा कौन था जो कि अन्न धन के भंडार भर दिए थे और राक्षस का भेष बना करके जब सभा में आए थे तो गुरुजी ने शिष्य की ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए कहने लगा, बाप के ब्याह में विषम बिचोला गंदा मान जाया था, बाप के ब्याह में विषम बिचोला गंदा मान जाया था, पर असुरों का भेष गणेश सतयुग जी मन आया था, पर असुरों का भेष गणेश सतयुग जी मन आया था, कुबेर की होगी हार जठे भई कुबेर की होगी हार उड़े भई छकान भूखा पाया था, कुबेर की होगी हार उड़े दगा था, जल पले के कारण प्रले पीमण नैना जल पाया था, जल के कारण प्रले होगी पीमण ने जल पाया था, जल के कारण प्रले होगी पीमण ने जल पाया था, जल के कारण प्रले होगी ना पीमण ने जल पाया था, जल के कारण प्रले होगी ना पलम बड़का पेड़ बचाया ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान बताया गुरु जी ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान बताया गुरु जी ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान बता दो गुरु जी
ऐसा लड़का कौन था जो अपने बाप के ब्याह में बिचोला बना था। तो भीष्म का जिक्र आता है, राजा शांतनु जो भीष्म के पिता थे, जो सत्यवती पर आसक्त हो गए और मछुआरे को जाकर के भीष्म ये प्रण करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती की औलाद जो होगी वही राजगद्दी पर बैठेगी। बताते हैं जो पिता की शादी के अंदर बिचला बताते हैं भीष्म बना था, और लास्ट में लक्ष्मीचंद जी ने चौथी कड़ी में क्या बताया, अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई सुहासन पड़ी जरूरत पति मोन ने व्याय रचाया, सुहासन पड़ी जरूरत पति मोहक ने क्या करवाया, पड़ी हुई सुवासन पड़ी जरूरत पति मोहक ने ब्याव कराया, हुई सुवासन पड़ी जरूरत पति मोहक ने ब्याव करवाया, उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्र जाया, उस लड़की का नाम बता जिने एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करने लाग की पुत्र का सिर कटवाया, पति की सेवा करने लाग की पुत्र का सिर कटवाया, लक्ष्मी चंद ने समझा दे सिर, लक्ष्मी चंद ने समझा दे, ऐसा ज्ञान बता दे कड़ी में बताया, अपने मन से प्राण त्याग दिए। बताते हैं ये बात उस समय की है जिस समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, और सती जिद करके जब यज्ञ में जाती है तो जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देती है, और बताते हैं सती के सिर के उसे शरीर के इतने टुकड़े होते हैं जो 9 टुकड़ों में विभाजित होते हैं, और उसी दिन से बताते हैं जो जगदम्बे के 9 रूप है उसी सती के शरीर से वो 9 टुकड़े हुए थे, इसलिए नवरात्रा जो 9 रूपों में पूजा होती है। लास्ट कड़ी में बताया, दक्ष के तजे प्राण सती ने हिमा चढ़कर जन्म लिया, दक्ष के तजे प्राण सती ने हुई शिवासन पड़ी जरूरत मनी मन शिव नाम पुकारा, हुई शिवासन पड़ी जरूरत मनी मन पुकारा, एक पल में गणेश बनाया बेदवता जुनारा नारा, एक पल में गणेश बनाया बेद होया नारा नारा, शिव एक पल में गणेश बनाया वेद बताओ न्यारा न्यारा, एक पल में गणेश बनाया वेद बताओ न्यारा न्यारा, शिव की सेवा करने लगी जब पुत्र का जो शीश उतारा, शिव की सेवा करने लगी जब पुत्र का जो शीश उठाया, जगदीश गुरु ने बताया लक्ष्मी, जगदीश गुरु ने बताया, जगदीश गुरु ने समझाया गुरु ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान बताया गुरु जी, ऐसा ज्ञान बताया, ऐसा ज्ञान बताया गुरु जी, गावणी आई।
गुरु जी कावड़िया भी गा दे। बताते हैं राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जब सती ने जन्म लिया था और शंकर भगवान के बार बार मना करने पर भी सती वहां पर गई थी और सती ने बताते हैं उस यज्ञ में आहुति दी थी। इस प्रकार से अपने शिष्य को गुरुजी ज्ञान बताते हैं और उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।